ओम शांति। कितने निर्मल और सरल बने हैं हम, यही स्वरूप है हमारे ज्ञान युक्त होने का। हमें संपूर्ण ज्ञान मिला है, हमने सृष्टि के सारे सीक्रेट्स जान लिए हैं, हमने सभी आत्माओं के भिन्न भिन्न पार्ट के रहस्यों को भी जान लिया है, हमने जान लिया इस ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान कि कौन सी घटना क्यों हो रही है, हमें कारणों का पता है। तो हम स्वयं को बहुत सरल कर दें, यह जानते हुए कि जो कुछ हो रहा है वही होना है, वही एक्यूरेट है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सब कुछ प्राप्त कर रहा है, हर व्यक्ति के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार वो स्वयं ही है। ठीक है, वो हमारे प्रिय जन हैं, वो हमारे साथी और सहयोगी हैं, हम में उनके प्रति आत्मीयता है, परंतु कर्मों का खाता तो सबका अपना अपना है। इसलिए चित्त को शांत करें, स्वभाव को सरल बना दें, सरल स्वीकार कर लें सब कुछ। आप सोचेंगे सब कुछ कैसे स्वीकार कर लें, कुछ तो हमें बदलना भी होगा। हाँ, जो कुछ हम बदल सकते हैं उसको तो हमें अवश्य बदल देना चाहिए, क्योंकि यदि हम उसको बदलेंगे नहीं तो अंतरात्मा हमें कचोटती रहेगी कि तुम ये कर सकते थे पर तुमने ये नहीं किया। तो हम चेंज करें, भागे नहीं, पलायन वृत्ति हमारी ना हो, जितना संभव हो अपनी मन की शक्ति के द्वारा, बोल की शक्ति के द्वारा, अपने अधिकारों के द्वारा हम चेंज करें। परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जो होनी ही हैं, जिनको कोई टाल नहीं सकता, उनमें जो हमारे अधिकार क्षेत्र से परे है उनमें हम बहुत हल्के रहें। अपनी स्थिति को महान बनाने के लिए हमें अपने चित्त को पूरी तरह निर्मल कर देना है। चित्त शीतल निर्मल, कोई अग्नि अंदर में न रहे, न क्रोध की अग्नि, न ईर्ष्या द्वेष की अग्नि, न व्यर्थ चिंतन की अग्नि, ये भी अग्नि है, न काम की सूक्ष्म अग्नि, पूरी तरह शांत। और हम इस सूक्ष्म रहस्य को समझते चलें, जितनी काम की अग्नि बुझती जाती है चित्त शीतल और निर्मल होता जाता है, सबके लिए भी हमारी भावनाएं श्रेष्ठ होती जाती हैं। इसलिए योग बल से हम अपनी इस अग्नि को शांत करते चलें, उतना ही अधिक हमें फिर ईश्वरीय रस मिलेगा। और ईश्वरीय रस प्राप्त होने के बाद इस संसार की ओर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं हो जाएगा। धन संपत्ति बहुत हो हमारे पास, सब हमें देने लगे, ये मांगने की इच्छा, ये इकट्ठा करने का संस्कार भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो आत्माएं योग युक्त होती हैं, उन्हें मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ उनके पास स्वतः ही आता रहता है, उनकी कोई भी आवश्यकता पूर्ण नहीं रहेगी। इसलिए हम अपने को निर्मल करें, शीतल करें, भरपूर करें ईश्वरीय रसों से, ईश्वरीय खजानों से। यही हमारी इस जीवन की सच्ची समर्पणता है, सच्ची सात्विकता है। आज हम इस सारी सृष्टि को प्योरिटी का दान देंगे, हमारी प्योरिटी से संसार में चली हुई वासनाओं की आंधी समाप्त हो जाएगी, हमारी प्योरिटी से अनेक तपते मन शीतल हो जाएंगे। तो अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ।
अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, बाबा पवित्रता के सागर, उनसे पवित्र किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। बहुत सुंदर अभ्यास, हर घंटे में एक बार अवश्य करते रहेंगे।